भारत में रेल दुर्घटना कम होने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन कहीं न कहीं रेलवे दुर्घटना का शिकार हो ही जाती है। दरअसल ताजा मामला उत्तर प्रदेश के मानिकपुर रेलवे स्टेशन के निकट का है, जहां वास्को डिगामा पटना एक्सप्रेस के 13 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई और 9 लोग घायल हुए हैं। बता दें कि हादसा सुबह 4:18 पर हुआ। ट्रेन मानिकपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से होकर गुजर रही थी कि इसके 13 डिब्बे पटरी से उतर गए। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने दुर्घटना पर गहरा दुख प्रकट किया है। इसके साथ ही उन्होंने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 1-1 लाख रुपए और जो मामूली रूप से घायल हैं उन्हें 50-50 हज़ार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। गोयल ने ट्वीट कर ये भी कहा है कि राहत एवं बचाव कार्य तत्काल रूप से शुरू कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मानिकपुर में वास्को डिगामा पटना एक्सप्रेस के डिब्बे पटरी से उतरने के मामले की जांच के आदेश भी दिए जा चुके हैं।